देते हैं कि आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का जवाब जिसको आता है वो आंसर देंगे, जिनको नहीं आता है वो सुनेंगे, फिर हम उनसे भी लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछेंगे, उनको जवाब देना है। इस तरह से रिवीजन के तौर पे आपका 4 एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ 4 एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो चारों एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जब हम पूछेंगे तो चारों एक्सपेरिमेंट के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें से जो भी आप लोग का डाउट होगा वो भी इसमें से धीरे धीरे क्वेश्चन करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या है यहाँ पर आज का क्लास में कि नंबर 1 एक्सपेरिमेंट से लेकर नंबर 4 तक हम फिर से रिवीजन कराएंगे कि आपका उसमें से क्या क्या हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या क्या एपरेटस यूज किए थे, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यू क्या था, उसमें हम लोग को क्या क्या निकालना था। इसके साथ हम लोग जो है आपका फिर फाइनल कंक्लूजन देखेंगे। ओके, कंक्लूजन के बाद फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 चलेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के बाद फिर उसमें देखेंगे कि क्या हम लोग निकाले थे, फिर एक्सपेरिमेंट 2 के बाद उसमें क्या क्या प्रोसीड्यू था, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज किए थे, उसमें से क्या क्या टर्म्स जो है आपको समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था हम लोग किए थे आपका प्रेशर मेजरमेंट बाय यूट्यूब मैनोमीटर के थ्रू हम लोग किए थे। ओके, तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूट्यूब मैनोमीटर का आपको मैनुअल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, आपका डेटा आपके पास में है, सभी को आप कॉपी लिख चुके होंगे, तो उसको मूडल पे आपको सबमिट करना है। उससे पहले हम आपको फिर से बता देते हैं कि एम ये मेरा क्या था, टू कैलकुलेट द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर डिफरेंट एंड डिस्चार्ज बाय यूजिंग पीजोमीटर। ठीक है, पीजोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर के थ्रू हम लोग किए थे। इसके लिए अपरेटस क्या था, तो फर्स्ट अपरेटस क्या था कि हम लोग मेजरिंग टैंक चाहिए था जिसका डायमेंशन था 300 × 300 × 300, ये मिलीमीटर में था। उसके लिए आपका एक सप्लाई टैंक था, उसका डायमेंशन 600 × आपका सम टैंक का डायमेंशन था आपका 600 × 300 × 300, ये सब किसमें था, मिलीमीटर में। एक आर्कलिक ट्यूब था जिसमें हम लोग पिटमेट्रिक ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसी ट्यूब में लगा हुआ था, उसी के ट्यूब से थ्रू वाटर को फ्लो कर रहा था, पाइप की तरह था, उसमें वो आर्कलिक पैटर्न का मटेरियल का बना हुआ था। उसी में आपका एक पीजोमीटर लगा हुआ था, उस पीजोमीटर में हम लोग रीडिंग देखते थे कितना आपका आया है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक बल्ब था, बल्ब को हम लोग जो है आपको ऑन ऑफ करने के लिए, और आपका एक था कॉन्स्टेंट हेड टैंक। तो कॉन्स्टेंट हेड टैंक था हमारा 300 × 300 × 450 का, तो ये था मेरा अपरेटस। इसके साथ और एक चीज चाहिए था कि हम लोग वाटर को फिल करने के लिए एक पंप का रिक्वायरमेंट था, उस पंप के मदद से हम लोग क्या करते थे कि वाटर को आपका फिल करते थे। फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यू, सारे अपरेटस को हम लोग जो है क्लीन कर लेंगे और आपका डस्ट फ्री कर लेंगे, फिर आपको सारे बल्ब को हम लोग जो है आपका क्लोज कर देंगे, जितने भी सारे बल्ब है उसको हम लोग पहले क्लोज करके रखेंगे, फिर उसमें वाटर को फिल करेंगे। वाटर को फिल करने के बाद हम लोग बल्ब को धीरे धीरे सारे बल्ब को खोलना शुरू करेंगे, फिर बल्ब को खुलेगा तो आपको वाटर को फ्री फ्लो होने देना है, यानी कि आपको कुछ देर इसी तरह मशीन्स को चलते रहना है जिसमें कि आपका सर्कुलेशन एक जो है आपका वाटर का बन जाएगा। उसके बाद वहां से हम लोग जो है रीडिंग लेंगे तो एक्यूरेट रीडिंग आप लोग का आएगा। ठीक है, तो बल्ब को हम लोग सारे को क्लोज कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, पंप के थ्रू वाटर को फिल करेंगे। वाटर को फिल करने के बाद जो मेरा हाइट आएगा वाटर का, ठीक है, वो जो हाइट आएगा आपका कांस्टेंट हेड टैंक में, जो आपका कांस्टेंट हेड टैंक में जो वाटर आएगा, उस वाटर को फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपका उसमें मेजरमेंट करने के लिए साइड में आपका एक मैनोमीटर ट्यूब लगा हुआ है, वहां से हमको पता चल जाएगा कि वाटर का हेड क्या है। ठीक है, उस वाटर के हेड से हमको पता चल जाएगा
कि जब हम लोग फ्लो कराएंगे तो आपका उसमें एक प्रेशर आएगा, कितना आएगा, फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रेशर को आपको बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा कितना आपका प्रेशर है। फिर जब वो आपका प्रोसीड्यू कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग उसमें से आपका H1 H2 से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, रो GH के थ्रू हम लोग जो है फॉर्मूला निकालने ताकि आपका निकालेंगे। उससे पहले जो मेजरिंग टैंक था, मेजरिंग टैंक में हम लोग टाइमिंग के अनुसार उसमें वाटर को फिल करेंगे, तो जितना वॉल्यूम फिल हुआ है L×B×H डिवाइडेड बाई टाइम हम लोग का डिस्चार्ज मिल जाएगा, उस डिस्चार्ज के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट वन में था। अब एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट टू में क्या हुआ था, रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलिस नहीं, बर्नौलिस थ्योरम। तो बर्नौलिस थ्योरम निकालने के लिए, बर्नौलिस थ्योरम हम लोग निकालने के लिए अपरेटस देखे थे आपका, उसका सबसे पहला एम क्या था, टू वेरीफाई द बर्नौलिस थ्योरम, हम लोग बर्नौलिस थ्योरम को वेरीफाई करना था। इसके लिए मेजरिंग टैंक चाहिए था, डायमेंशन 300 × 300 × 300, वो आपका प्रीवियस क्लास में हम दिखाए थे। उसके बाद एक आपका सम टैंक था, सम टैंक का भी डायमेंशन आपका 600 × 300 × 300, और फिर आपका कॉन्स्टेंट हेड टैंक 300 × 300 × 450। फिर वाटर पंप चाहिए था इसके लिए भी 0.5 HP का, इसमें एक गेट बल्ब चाहिए था, ठीक है, गेट बल्ब इसमें चाहिए था। फिर इसमें बॉल भर्ब था, नीचे बॉल भर्ब था, सारे जो आपका मेजरिंग टैंक को आपका वाटर को फिल करते थे उसको इम्पटी करने के लिए हम लोग इसका यूज किए थे। उसके बाद आता है आपका बर्नौलिस के लिए जो आपका डक्ट था, उस डक्ट में लगा हुआ था सारे जो पीजोमेट्रिक ट्यूब, उसमें 9 नंबर ऑफ जो पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा हुआ था, उस 9 नंबर पीजोमेट्रिक ट्यूब के थ्रू हम लोग वहां पर उसमें उसी से हम लोग जो है अति को फिल किए थे, उसी से हम लोग लिखे थे। उसमें आपके उसके उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसका बर्नौलिस थ्योरम का आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू हम लोग जिस तरह से आपको वाटर को फिल करना था सेम उसी तरह से हम लोग सब में फिल कर देंगे बाय पंप के थ्रू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्री फ्लो करेंगे, कुछ देर के लिए कंटिन्यू चलाएंगे। चलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका जितने भी सारे अंदर का डस्ट है और अंदर में जो भी कचरा जमा था वो सारा कुछ क्या होगा कि फ्री हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक आपका जो कॉन्स्टेंट हेड टैंक में है उसमें आपका वाटर फिल हो जाएगा। वाटर फिल होने के बाद उसमें से हम लोग वाटर को फिल हो जाएगा, वाटर फिल होने के बाद उसमें हम लोग जो है आपका वहां से फिर आपका रीडिंग गेट, आपका जो उसका गेट बल्ब है उसको हम लोग क्या करेंगे, अब ब्लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद उसमें आपका कॉन्स्टेंट हेड टैंक में वाटर फिल हो जाएगा एक डिजायर्ड आपका हाइट तक, उस हाइट तक फिल होने के बाद फिर वहां से एक हाइट ले लेंगे। उस हाइट के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका उस हाइट के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें फ्री करेंगे वाटर को, हम लोग चलाना शुरू करेंगे। ये आपका जो फिगर है इस फिगर पे दिखाया जा रहा है कि इस तरह से हम लोग वाटर को इस यहाँ से आपका कैलकुलेशन करने के लिए डक्ट जो पोर्शन लगा हुआ है इस डक्ट के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वाटर का यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपका हाइट कम बनाता है और इस तरह से एक डायग्राम बनाता है। ये लेवल कुछ और था, ये लेवल कुछ और है, यहाँ का लेवल कुछ और है, इस तरह से प्रीवियस क्लास में रीडिंग भी दिए थे आप लोग को। तो इस तरह से यहाँ पर बनाता है। जब रीडिंग हो जाने के बाद जब ये आपका रीडिंग आ जाता है उसी उसी डायरेक्शन में उसी हाइट पे हम लोग जो है कंटिन्यू कुछ देर चलाते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं आपका सारे सारे का रीडिंग
और उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, जो मेजरिंग टैंक में मेरा वाटर फिल हो रहा था, यहाँ पर जो है ये आउटलेट के साथ यहाँ पर वाटर मेजरिंग टैंक में जो फिल हो रहा था, उसमें हम लोग एल इंटू बी इंटू एच फिल्टर टाइमिंग लगा, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर जो डिस्चार्ज निकाल लेते हैं, फिर डिस्चार्ज के साथ हम लोग जो है उसका पूरा प्रोसेस जो है उसमें सारा फॉर्मूला टप करके सारे जो कैलकुलेशन वहां पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट है बर्नौली थ्योरम के बाद रेनॉल्ड्स नंबर। तो नेक्स्ट हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर देखे थे, इसमें से हम लोग क्या करते थे रेनॉल्ड्स नंबर में, एक कांस्टेंट हेड टैंक था हमारा, मतलब ये जो आपका उसमें वाटर को फिल कर लिए थे और उसमें से क्या किया थे कि वाटर से यहाँ पर जो है आपका फिल फ्लो किए थे एक अनदर लिक्विड, उसके थ्रू हम लोग को पता चलता था कि उस फ्लो में, ठीक है, हम लोग जो है वाटर का जो फ्लो है अगर कांस्टेंट आपका लीनियर अगर बह रहा है, ठीक है, लीनियरली आपका जो है कांस्टेंट आपका वाटर जो है फ्लो हो रहा है, तो आपका सारे फ्लो के बारे में पढ़ना था, इसमें सारे फ्लो को टेस्टिंग करना था, लेमिनार टर्बुलेंट और कांस्टेंट फ्लो। हम लोग जो लेमिनार था ये आपका कॉन्स्टेंट अगर नॉर्मल अगर स्ट्रेट लाइन बनाती है वो आप लोग का होगा लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो के थ्रू हम लोग वहां पर देखे भी थे पढ़े भी थे कि लेमिनार फ्लो आपका जो होता है यहाँ से जब वाटर फिल होता है एक आपका नॉर्मल आपका स्ट्रेट लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पर जो है वाटर को आपका यहाँ से ऑटोमेटिक बहता था, वाटर के साथ वो धीरे धीरे कॉन्स्टेंट होता। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते थे कि आपका जो मेजरिंग टैंक था हम लोग का, उस मेजरिंग टैंक में वाटर को यहाँ से हम लोग लेते थे और बस वाटर को लेने के बाद हम लोग उसको मेजरिंग जो है कितना टाइमिंग लगता था आपका 1 लीटर फिल होने में उस तरह से वहां पर हम लोग देख लेते थे। तो इस तरह से हम लोग जो है आपका इसमें आपका किए थे इस प्रोसेस में। फिर इसमें लेमिनार के साथ आपका टर्बुलेंट, ठीक है, ट्रांजिशन के बाद टर्बुलेंट। ट्रांजिशन में क्या था कि कुछ कुछ परसेंट थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर, ठीक है, इधर से ये हल्का हल्का इधर से आपका अप एंड डाउन यानी कि आपका वेव के थ्रू ये आपका इस तरह का डायग्राम बनाता था, इस तरह से डायग्राम बनाता था। इसके थ्रू भी हम लोग जो है मेजरिंग कर सकते हैं कि आपका जो वाटर है कितना आया, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर में कितना आपका आ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग को पता चल जाता है जितना भी आपका नंबर आता है अगर वो 2000 से कम होता है तो लेमिनार, अगर 2000 और 4000 के बीच होता है तो ट्रांजिशन, ठीक है, और आपका ये आपका टर्बुलेंट, अगर 4000 से एबव होगा तो वो क्या होगा टर्बुलेंट होता है। तो टर्बुलेंट में क्या होता था यहाँ के बाद ऑटोमेटिक जो इतना फास्ट चलता था वाटर यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपका बह जाता था और पता भी नहीं चलता था कब पाइप से आपका वाटर वहाँ से दिखता नहीं था, उसका डिफरेंट जो कलर उनसे प्रोवाइड किए थे आपका देखने के लिए वो पता नहीं चलता। तो यहाँ से हमको इस तरह से सारे फ्लो के बारे में हम लोग देखे थे। इसके बाद था आपका सीबीसीडी और सीसी, सब का डिस्चार्ज आपका कॉफिशियंट निकालना था, कॉफिशियंट डिस्चार्ज के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ऑर्फिस मीटर के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखे थे। तो ऑर्फिस मीटर में हम लोग क्या देखे थे कि सारा इसमें जो ऑर्फिस मीटर के लिए लगा हुआ था एप्रेटस, इस एप्रेटस में आपका यहाँ पर था आपका मेजरिंग टैंक है, यह आपका सप्लाई टैंक है, यहाँ पर पंप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पंप के थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सप्लाई टैंक है, ठीक है, सप्लाई टैंक को फिल करने के लिए हम लोग जो पंप का मदद से और सम्प टैंक से हम लोग फिल करते थे उसमें, यानी सम्प टैंक के थ्रू इसमें हम लोग फिल करते थे,
और इसमें हम लोग जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू यहाँ पर रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर ऑर्पिस लगा हुआ है। ऑर्पिस का डाया आपका 6 mm का यहाँ पर लगा हुआ था, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, आपका 8 mm का डाया भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोग मेजरिंग किए थे। और यहाँ पर एक आपका मेजरिंग टैंक लगा हुआ, उस टैंक के थ्रू हम लोग क्या किए थे कि इसमें हम लोग जो कितना टाइमिंग आपका फिल होने में लगता है, आपका 5 मिनट में कितना फिल होता है, या फिर आप दोनों तरीके से आप वहाँ पर डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज निकल जाएगा, डिस्चार्ज के बाद हम लोग इसका एक्स एंड वाई के थ्रू हम लोग वहाँ पर एक फॉर्मूला लगाकर वहाँ पर निकालना था। प्रीवियस क्लास में उसका फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए थे, लिखा दिए थे। तो ये आपका नंबर ऑफ जो 4 एक्सपेरिमेंट टोटल आपका कंप्लीट हो गया है। रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलीस इक्वेशंस और आपका प्रेशर मेजरमेंट और आपका लास्ट सीबीसीडी और सीबीसीडी ये आपका एपरेटस है। ये हम लोग जो 4 एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, इसके आगे मैम अगर जो है आपका क्लासेस हो गया होगा उसके आगे वाला प्रोसेस हम पढ़ाएंगे। फिर डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर, डार्ची फ्रिक्शन का फैक्टर जो होगा वो अगर हो सकता है कि अगर मैम पढ़ा दी होंगी तो नेक्स्ट क्लास में होगा। डिटरमाइंड डार्ची फ्रिक्शन हो गया, डिटरमाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रेक्टेंगुलर नॉच, यहाँ पर जो सर्कुलर नॉच होता है रेक्टेंगुलर नॉच के थ्रू वाटर को डिस्चार्ज यहाँ पर देखना है, उस रेक्टेंगुलर नॉच के लिए भी आपका जो है स्टेटस दिखाएंगे और करेंगे। यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर नॉच, यहाँ पर रेक्टेंगुलर नॉच है और ये जो आपका दो नॉच यहाँ पर दिया है, ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल, दो दो प्रकार का यहाँ पर दिया हुआ है। उस नॉच के बारे में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालने का तरीके देखना है, दोनों में से कैसे हम लोग निकालते हैं, तो आपका जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बारे में दिखाएंगे। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आप जो है जो 4 एक्सपेरिमेंट हुआ हम लोगों का, उस 4 एक्सपेरिमेंट का एम बताइए क्या क्या उसका एम था। उसके बाद हो सकता है कि हम जो एपरेटस यूज किए थे आपका बर्नौलीस थ्योरम के लिए उसमें कौन सा एपरेटस हो सकता है, उस एपरेटस का फुल आप नाम बताइए, पार्ट्स का नाम बताइए। सीबीसीडी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जो हमको पता चलता है सीबीसीडी और आपका डिस्चार्ज, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो उसको ऑर्फिस मीटर के थ्रू करते हैं, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद था हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग जो है यूट्यूब मैनोमीटर लिए थे, ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर के थ्रू हम लोग वहां पर किए थे। उसके लिए हम लोग कितना एचपी का पंप का इस्तेमाल किए थे, क्या उसका प्रोसीड्यू था, उसमें क्या क्या बात का हम लोग ध्यान रखना पड़ता था। फ्लूड है तो हम लोग कैलकुलेशन में भी देखते हैं कि आपका जो पाइप होता है उसमें वाटर को कैसे मेजरमेंट करते हैं, अपर लेयर से कि आपका डाउन लेयर से, उस तरह से हम लोग वहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। वाटर है ना, तो वाटर का जो पोर्शन होता है नीचे यहाँ से, वहाँ से हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब जो है आपको उसमें देखना था, इसमें पढ़ना है और इसमें समझना है। इसमें किसी को आपका कोई एक्सपेरिमेंट में दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट में हमको थोड़ा बहुत दिक्कत है, या फिर इसमें अभी ऑलरेडी जो है इसका क्लासेस हो चुका था, क्लासेस के बाद एक बार रिवीजन भी बीच बीच में सब कुछ सबको क्लास होने के बाद एक बार रिवीजन भी हो गया, फिर फाइनल आज हम आपका रिवीजन करा दिए। तो किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का पीडीएफ खोलिएगा, यहाँ पर देखो सर इसमें इतना ही सर दिया हुआ था, तो सर जो मैथमेटिकली मेजरमेंट का जो पेज है सर वो इसमें अटैच नहीं किया हुआ है। नहीं इसमें नहीं किया हुआ, इसमें आपका ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया हुआ, हम आपको शायद हम कहा था
सर हम हाइड्रोलिक के लैब में नहीं जुड़े हुए हैं। सर सबनम मैम ना जोड़ेंगे सर, कोई भी जोड़ सकता है, जोड़ सकता ना भी जोड़ सकता। वो बोल रहे थे तो मैम से हाइड्रोलिक्स में ये किए, हाइड्रोलिक लैब तो अलग से होगा ना सर? अलग से है तो लैब तो दिखा रहे हैं आपको, लैब का अलग था तभी तो आपको दिखाया। हाँ सर वो तो है, तो मैम को बोल देंगे सर छोड़ने के लिए। हम लेकिन शायद उसका एक्सपेरिमेंटल कराए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो उसके बाद क्या करना था आपको, यहाँ से लेना था एक्सपेरिमेंट वन में, ठीक है? स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है? यहाँ पर देखो पाइप था, यहाँ पर पाइप का इस्तेमाल किए थे, इसका नहीं होगा नॉलेज का, क्योंकि यहाँ पर जो दिखा रहा है आपका बर्नौलिस का। इसका भी डेटा कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, वो आपका उसमें क्या करना था कि सारा जो प्रेशर मेजरमेंट करना था, सारा जो ट्यूब था उस ट्यूब में कितना आया था वो हम लोग वहां पर मेजरमेंट किए थे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि आपका आ गया, सारा एक्सपेरिमेंट का हो गया, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का वहां पर नहीं दिया हुआ, ठीक है? तो हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेटा जिसके पास होगा वो उसके थ्रू ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर जो है सीबी सीडी और सीसी का जो आपका कैलकुलेशन पार्ट भी है ऑलरेडी मैम यहाँ पर जो कराई थी कि 40 आया था 30 आया था, किस तरह से कैलकुलेशन था, यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन जो एक्सपेरिमेंटल था वो इस तरह से यहाँ पर सारा कैलकुलेशन किया हुआ, ठीक है? तो बर्नौलिस यहाँ पर चार एक्सपेरिमेंट हो चुका है और दो एक्सपेरिमेंट है छह, और इसके साथ आपका नेक्स्ट बी पार्ट चला जाएगा। ये पार्ट ए में था, पार्ट बी में भी आपका बहुत सारे है छह, उसमें भी है, उसमें से भी आपको इसमें से आपका फाइव करना था, उसमें से भी आपका फाइव करना। तो हम लोग लमसम चार कर लिए हैं, इसमें से और एक जो बच्चा है जैसे आपका प्रोफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच के बारे में करेंगे, या फिर आपका डांचिस फ्रिक्शंस के फैक्टर के बारे में करेंगे, या फिर आपका डिस्चार्ज ऑफ ट्रायंगुलर नॉच के थ्रू करेंगे। ये तीन में से एक हम लोग को करना है।
उसके बाद फिर हम लोग उसको कर दूंगे। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं तो जो एक्सपेरिमेंट बनाएंगे उसको मॉडल में सबमिट करना है आपकी? मॉडल में सबमिट करना है, छैया दिला दूंगा, क्योंकि सो मॉडल में कहीं सबमिट करने का जगह नहीं है। इसका आपका ऐड नहीं था पार्टिसिपेंट्स में? अभी कौन बोल रहे थे कि मेरा ऐड नहीं है? सर मेरा नेम बताइए। राजा कुमार गुप्ता। राजा कुमार गुप्ता नहीं है, आईडी बोलिए सर। 20CE117। मॉर्निंग डोन हो गया। चलो ठीक है, अब आपको शो करें हाइड्रोलिक्स लैब। ठीक है सर। सर एक सवाल पूछे सर। सर कुछ पूछना तो पूछे सर। पूछो। बोले सर जो ऑटो कैड होता है ना सर, ऑटो कैड हम लोग का होता है ना सर, ऑटो कैड? हाँ होता है। आवाज सुनाई दे रहा मेरा? तो सर वो बोल रहे हैं कि हम लोग सर हमको करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट में क्या था ना सर कि एक मेरा फ्रेंड क्या था कि उसको कॉलेज से मतलब परमिशन लिख के दे देता तो ये फ्री में हो जाता कहीं से। जैसे हम धनबाद से बिलोंग करते हैं सर, तो सिंधी में है ना सर बीआरटी, अभी तो सिंधी में ही ना सर। तो सर वहां से एक फ्रेंड किया था बीआरटी से ऑटो के, तो उसका फ्री में ही हो गया था। सिविल का नहीं है वहां पे? तो सर वो सिविल से ही किया, तो वो धनबाद सिविल से, धनबाद में पॉलिटेक्निक सिविल है सर, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन था, तो सिविल से ही ऑटोकैड किया, उसका कैंपस से भी आईटी। ऑटोकैड जो है ना वहां पर जो आपका सीमेंस के थ्रू जो हो रहा है, आपका गवर्नमेंट ऑफिसर का मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू जो होता है वहां पर, ठीक है, तो उसमें क्या है ना सीमेंस का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वहां पर ऑटोकैड में आपका ऑल डिजाइनिंग है, जैसे आपका मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल के कुछ आपका सर्किट के बारे में है, मैकेनिकल का ऑल इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, और इसके साथ आप एक लैब वर्चुअल पूरा लैब है वहां पर सेटअप है। तो वर्चुअल क्या है कि आपको कंप्यूटर में आईडी पासवर्ड मिलता है, उस पासवर्ड के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये आपका वहां पर सिविल का वहां पर नहीं है, मतलब सिविल का जो ऑटोकैड होता है स्ट्रक्चरल बेस्ड, ठीक है, वो नहीं है। आप वहां पर पता कीजिएगा, ठीक है, वहां पर आप मिश्रा जी होंगे, वहां पर एक मिश्रा जी होंगे, उनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि वहां पर सिविल का नहीं है। अगर और कहीं है, अगर और कहीं भी है तो अगर आपको चाहिए तो आप कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिएगा, आपको बोनाफाइड मिल जाएगा, आप उस बोनाफाइड के थ्रू कर सकते हैं।
तो सर ये गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट दोनों में फ्री में होता है मतलब? ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वो, आप किसी भी कॉलेज से हो, आप 11 12 भी किए हैं तो आपको पढ़ना है आउट ऑफ बेड सिविल इंजीनियरिंग तो भी आपको कराएगा ये आपका, उसका सीमेंस का एक नॉर्म्स के थ्रू है कि आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए और आपको वो सिखाएगा और साथ ही साथ सर्टिफिकेट देगा। और इसके लिए आपको उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, आप किसी भी जगह पर, आप सीमेंस में कोई भी संस्था सीमेंस का, आप वहां पर जाकर उस क्लास को कर सकते हैं। सीमेंस का दो जगह पर क्लास होता है, एक आपका जो है आपका बीआईटी कैंपस के बगल वाला कैंपस जो है उसमें भी होता है, और बीआईटी मेन जो है वहाँ भी होता है। ठीक है, मेन जो बिल्डिंग है उसके सामने में ही आपका एलुमनी हाउस के बगल में ही आपका जो आईटी सेक्शन है उसी में होता है। दूसरा होता है आपका, मेरे दूसरा यहाँ पर होता है आपका जो भागा भागा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते। तो सर उसके लिए एप्लीकेशन कॉलेज में देना होगा ना सर? बिल्कुल, आपको एप्लीकेशन देना होगा, उसके साथ आपका पढ़ाई बाधित ना हो, आप उसके साथ रेगुलर क्लासेस भी रहेंगे और वहाँ का भी क्लास को आपको ज्वाइन करना है। जी सर। ठीक है, कर सकते हैं, सब तो कुछ सर कर अच्छा सकते सर, ये हम लोग जैसे ब्रांच में, हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? वो ऑटो कैड हो गया और फिर से आपका ये हो गया, एक सेफ्टी हो गया सर हम लोग का, ये दोनों में बेस्ट ऑटो कैड ही है सर? ऑटो कैड। देखिए कि अभी डिमांड ऑटो कैड का ज्यादा है, सेफ्टी का थोड़ा कम है, क्योंकि तो आप भी पहले स्ट्रक्चर बनाएगा तभी तो उसके बारे में सेफ्टी के बारे में सोचो, पहले स्ट्रक्चर का जी सर। डिजाइनिंग स्ट्रक्चर सब बनेगा, उसके बाद उसमें सेफ्टी के लिए एक आदमी जो पूरा सेफ्टी को बना सकता है। उसी तरह है कि आप सेफ्टी के बारे में बाद में आपको पढ़ना है, पहले ऑटो कैड पहले डिजाइनिंग सीखना है उसके बाद। तो ये था आपका ऑल जो आज के क्लासेस में हम लोग पढ़े, तो क्लासेस में हम लोग ऑल ओवर चारों एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिए, चारों एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लिए, और अभी हमको वहां पर सबमिट करना है और आपको यहाँ पर एडिशन करना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट वन, आज 15 जुलाई है, 22 जुलाई, 1 यहाँ सबमिट कर रहा है, फिर दो एक्सपेरिमेंट नंबर टू, एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री, एक्सपेरिमेंट नंबर फोर। हाइड्रोलिक्स लैब का क्लासेस में ऑलरेडी 3 बना दिए हैं, आपको यहाँ पर चारों एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर सबमिट करना है, चारों एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर आकर सबमिट करना है। चार एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट वन में, एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट थ्री। मेंशन करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही सिर्फ लिख कर आप सबमिट कर सकते हैं, लेटरल वाले अपने लेटरल 3-5 करके लिखेंगे और विदाउट लेटरल वाले 3-0 करके जो आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर वही लिखेंगे। ठीक है, 19111 19111 03 लेटरल 3-5 और आपका विदाउट लेटरल 3-0,
आप इस तरह से मेंशन करके या सिर्फ लैंड आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर यहाँ पर सबमिट करेंगे ताकि हमको आसानी हो डाउनलोड करके वहाँ पर देखने में, किसी का नाम कुछ और रहता है, कोई और सबमिट कर देता है। ये भी हुआ है पिछला हम देखे है कि किसी और का आपका कोई और सबमिट कर दिया है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक ही आंसर शीट मेरे पास दो जगह से आ रहा है, दो 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 स्टूडेंट से आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना पर्टिकुलर अपना ही सबमिट कीजिए, किसी अनदर का नहीं। तो यहाँ पर हम बना दिए हैं, यहाँ पर सबमिट करना है। आप अभी टाइमिंग नहीं दिए कब तक सबमिट करना है, लेकिन उसमें सबमिट कर देना है। तो आज जो है आज का आपका क्लासेस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो होगा जैसा आपका मैम का रिक्वायरमेंट होगा कि कौन सा लैब कराना है उसके बाद हम कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट